नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। पीएम मोदी ने दिवाली से पहले हिमाचल को दी कई स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिवाली से ठीक पहले हिमाचल को कई स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत प्लासड़ा में स्थापित ब्लैक ड्रग प्राइवेट यूनिट का उद्घाटन किया। साथ ही बिलासपुर के एम्स में ड्रोन सेवा शुरू की। इसके साथ ही किडनी प्रत्यारोपण समेत कई सुविधाएं शुरू की। चंबा मेडिकल कॉलेज और मनाली में क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बिलासपुर से ऑनलाइन समारोह से जुड़े। पहले सितंबर में ब्लैक ड्रग यूनिट का उद्घाटन प्रस्तावित था, लेकिन किन्हीं कारणों से टल गया था। किनविन प्राइवेट लिमिटेड ने प्रथम चरण में 460 करोड़ के निवेश से नालागढ़ के प्लासडा में ब्लैक ड्रग यूनिट स्थापित किया है। इस यूनिट में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरे चरण में किनविन 400 करोड़ का निवेश करेगी। सीएम ने किया प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ। गोविंद सागर झील में की मोटर बोट राइडिंग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बिलासपुर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। यह पुस्तकालय विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित है और इसमें 40 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की लगभग 2500 पुस्तकालय उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें ऑफलाइन माध्यम से पहली से बारहवीं कक्षा तक की NCERT और CBSE की पुस्तकें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कॉलेज के पाठ्यक्रमों, प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न शैक्षिक पुस्तकें डिजिटल लाइब्रेरी में पाठकों के लिए उपलब्ध होंगी। वहीं सुक्खू ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी पाठकों को टच स्क्रीन डिवाइस, सर्वर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से निःशुल्क पठन सामग्री उपलब्ध कराएगी। इस लाइब्रेरी को एक स्मार्ट प्रबंधन प्रणाली RFID तकनीक से सुव्यवस्थित किया गया है। पाठकों की सुविधा के लिए उन्हें आईडी कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे लाइब्रेरी में प्रवेश करने के लिए स्कैन करना आवश्यक होगा। छठी से आठवीं कक्षा के लिए संस्कृत, व्याकरण और हर विषय में होगी प्रायोगिक परीक्षा। छठी से आठवीं कक्षा तक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड तैयार करेगा। इसके अलावा व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए हर विषय में प्रायोगिक परीक्षाएं भी करवाई जाएंगी। यह फैसले हिमाचल राज्य संस्कृत शिक्षक परिषद के प्रतिनिधियों के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए। संस्कृत शिक्षक परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज शैल ने बताया कि परिषद ने 21 सूत्रीय मांग पत्र शिक्षा बोर्ड को दिया था। इसमें एक एक विषय पर विमर्श के साथ चर्चा की गई। चयन आयोग ने 4 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं के परिणाम किए घोषित। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग HPRCA ने 4 अलग अलग पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं के परिणाम आज घोषित कर दिए। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि लैब असिस्टेंट पोस्ट को 961 के एक पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में 4 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 नवंबर को सुबह 10 बजे आयोग के कार्यालय में होगी। डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट को 966 के एक पद के लिए हुई लिखित परीक्षा में 5 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 18 नवंबर को होगी। सचिव ने बताया कि डिस्पेंसर पोस्ट को 967 के 11 पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा में 33 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 नवंबर को होगी। मत्स्य अधिकारी पोस्ट को 978 के 2 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में 8 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 नवंबर को निर्धारित की गई है। डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि सभी परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध हैं। धनतेरस पर खरीदारी के लिए हिमाचल के बाजारों में उमड़े लोग, शिमला में जाम। हिमाचल प्रदेश के बाजारों में धनतेरस पर खरीदारी के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। राजधानी शिमला सहित अन्य बाजारों में लोगों की भीड़ है। कुल्लू के ढालपुर मैदान में सजी अस्थाई मार्केट में धनतेरस के मौके पर आज खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बाजार में लोगों ने गर्म कपड़ों के साथ अन्य सामान की खरीदारी की। इस बार अस्थाई बाजार के व्यापारियों को 7 नवंबर तक के व्यापार करने के लिए समय दिया गया है। ऐसे में व्यापारियों को बेहतर कारोबार होने की उम्मीद है। विंटर सीजन में पर्यटन निगम के होटलों में 40% तक का डिस्काउंट।
हिमाचल प्रदेश में विंटर सीजन के लिए सैलानियों की आवाभगत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। समर सीजन के बाद होटल कारोबार को पटरी पर लाने के लिए राज्य पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों में ठहरने पर 10 से 40 फीसदी तक डिस्काउंट देने का फैसला लिया है। इसमें काजा के स्पीति, सुंदरनगर के सुकेत और शिमला के विली पार्क होटल को छोड़कर निगम के सभी होटलों में यह सुविधा दी गई है। पर्यटकों के लिए होटलों में यह छूट 1 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक रहेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख बोले, केंद्र ने खैरात नहीं दी, जो पैसा मिला वो हमारा हक। केंद्र सरकार ने कोई खैरात थोड़ी दी है, हमें जो पैसा मिला है वो हमारा अधिकार है। आपदा का पैसा केंद्र सरकार ने नहीं दिया। एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के 9,200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दबा रखे हैं। प्रदेश सरकार अपनी संपदा और संसाधनों से चल रही है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला के प्रीति गृह में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि बोर्ड और कॉरपोरेशन दोनों अलग अलग हैं। 1200 करोड़ रुपये कर्मचारियों और अधिकारियों की तनख्वाह बनती है, 800 करोड़ रुपये पेंशन बनती है। प्रदेश के लगभग 1,17,000 कर्मचारियों को करीब 2,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है। इस पैसे पर RBI के साथ हमारी ट्रेजरी जुड़ी होती है, इस पर 7.5% ब्याज लगता है। इस राशि पर 3.5 करोड़ रुपये ब्याज का हम पेंशन के रूप में देते हैं। वित्तीय अनुशासन लाने की कोशिश प्रदेश सरकार ने की है। कहा कि सरकार ने कहा था कि वेतन 5 तारीख और पेंशन 9 तारीख को मिलेगी। देश भर के नेताओं ने इस पर चर्चा की और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने भी यहां आकर इस पर बयान दिया। लेकिन अच्छा होता कि RBI और वित्त विभाग से नड्डा कुछ पूछते कि हमारी ट्रेजरी के क्या हाल है। उन्होंने फिर दोहराया, 2 साल बाद हिमाचल आत्मनिर्भर होगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। लोहे के औजार से पत्नी की हत्या, पति ने रजाई में छिपाया शव, 3 दिन बाद हुआ खुलासा। पति ने पत्नी की लोहे के औजार से बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी और शव को रजाई में छिपा दिया। इसके बाद 3 साल के बच्चे के साथ फरार हो गया। मामला हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई उपमंडल की प्राली बदरूनी पंचायत के जगराड़ी गाँव का है। पुलिस ने आरोपी को FIR दर्ज करने के 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह खुलासा नहीं हो सका है कि हत्या के क्या कारण रहे। बहरहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक नेपाल मूल का रमेश 25 वर्षीय अपनी पत्नी धनमाया 22 वर्षीय के साथ झरकाड़ी गांव में बागवान राजेंद्र सिंह के बगीचे में काम करता था। वो बागवान की ओर से बनाए गए शेड में पत्नी और 3 साल के बच्चे के साथ रह रहा था। 3 दिन पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई। दोनों के बीच लड़ाई इतनी अधिक बढ़ गई कि रमेश ने लोहे के औजार से पत्नी धनमाया के सिर और शरीर पर कई वार किए। इससे वो बुरी तरह लहूलुहान हो गई और उसकी मौत हो गई। हिमाचल में नहीं मिला 42 महीने का महंगाई भत्ता, कर्मचारियों ने मुख्य सचिव से लगाई गुहार। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों को 42 महीने पुराना महंगाई भत्ते का एरर नहीं मिला है। इस एरर को वित्त विभाग भले ही भूल गया हो, मगर कर्मचारियों को यह याद है कि उन्होंने सरकार को भी याद दिलाने की कोशिश की है। पूर्व जयराम सरकार के समय की महंगाई भत्ते की किस्त का एरर इन वर्गों को नहीं मिल पाया, जो कि जुलाई 2022 का था। उस दौरान सरकार ने 4% डीए देने के आदेश जारी किए, मगर इसका एरर देने को अलग से अधिसूचना जारी करने की बात कही। वो आदेश अब तक जारी नहीं हुए, जबकि वर्तमान सरकार ने 1 जनवरी 2023 का 4% डीए अब कर्मचारियों व पेंशनरों को दे दिया है। हालांकि इसमें भी अभी एरर साथ नहीं दिया गया है। ऐसे में 42 महीनों से एरर का इंतजार कर्मचारी कर रहे हैं। तो ये रहा आज दिन भर की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।